शुरू होते ही शिवालयों में पूजा अर्चना करने वाले शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं सावन मास के प्रथम सोमवारी के अवसर पर सभी शिवालय को दुल्हन की तरह सजाया गया। सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सभी शिवालय में सावन मास शुरू होते ही बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार अलग अलग तरह से किया जाता है। वहीं सावन मास के प्रथम सोमवारी को पटना सिटी के कठोतिया गली स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का श्रृंगार पूरे सावन महीना अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है, जो अद्भुत लगता है। कई वर्षों से बाबा की सेवा में लगे हैं मंदिर के पुजारी 62 बाबा ने बताया। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज 24 की रिपोर्ट। शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। महादेव की ये कृपा है हमारे ऊपर। कठौतिया गली काशी विश्वनाथ मंदिर प्रतिदिन बहुत सुंदर श्रृंगार लगता है। दिन दिन सावन महा मंगल प्रथम मास में विशेष श्रृंगार का आयोजन हो रहा है। यहाँ हमारे समुद्र का कितने सालों से 1885 संबत में मंदिर की स्थापना की गई थी। अभी संबत 2079 चल रहा है। लगभग 200 वर्ष होने जा रहा है इस मंदिर को। विशेष विशेष श्रृंगार हो रहा है, भक्तों के द्वारा विशेष श्रृंगार लगाया जाता है और बहुत सुंदर श्रृंगार प्रतिदिन होता है। मैं तो अपने शिव भक्तों से कहूँगा कि हर समय आकर के श्रृंगार का दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। और भी जो लोग देख रहे हैं, हमारे देश के नौजवान, वृद्ध, बालक, महिलाएं, मेरी माताएं, बहनें, वो सब आए कठौतिया गली मंदिर में आकर के बाबा का श्रृंगार देखें और पुण्य के भागी बने। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पदे हर हर।